तो आपको एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है विच इज y डबल डैश प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू जीरो एंड y एट माइनस पाई इज इक्वल टू y एट पाई एंड y डैश एट माइनस पाई इज इक्वल टू y डैश एट पाई। तो बेसिकली ये पीरियोडिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, और पीरियोडिक बाउंड्री वैल्यू में प्रॉब्लम में प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, इसके पास आइगन वैल्यू लैम्डा नॉट लेस देन लैम्डा वन एंड सो ऑन, और लैम्डा नॉट के करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस की जो डायमेंशन आती है वो वन डायमेंशन आती है, और रिमेनिंग जितने भी आइगन स्पेस हैं उनके करस्पॉन्डिंग डायमेंशन क्या आती है, टू आती है। ये मेनली इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ कह रहा है कि टू सम आइगन वैल्यू देर इज ओनली वन आइगन फंक्शन, ये कभी नहीं हो सकता। हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कितने आइगन फंक्शन होते हैं, इनफाइनाइट, तो पहला फॉल्स। सिमिलरली सेकेंड फॉल्स। थर्ड कह रहा है कि टू लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन, तो लैम्डा टू लैम्डा थ्री लैम्डा फोर कुछ भी लेंगे तो यहाँ दो एल आई आइगन फंक्शन मिलेंगे, एंड टू ऑर्थोगोनल आइगन फंक्शन, तो आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो टू डायमेंशन आइगन स्पेस होगा तो उसके आइगन फंक्शन हमेशा क्या आते हैं, ऑर्थोगोनल। तो डायरेक्टली जनरल थ्योरी से सी और डी ट्रू हो जाएगा, रिमेनिंग ऑल आर फॉल्स।